कुंदा तट पर बसे शहर खरगोन का गौरव दिवस मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से मनाया जाएगा। इस अवसर पर गौरव दिवस एक दिन का न होकर 9 दिवसीय होगा। शुक्रवार को नगर पालिका ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। इसमें पत्रकारों को भी प्रचार प्रसार में भूमिका बढ़ाने के लिए कार्यक्रम तय होने के बाद उन्हें भी महत्व देने के लिए सुझाव मांगे गए। SDM भास्कर गाचले ने बताया कि 14 से 23 जनवरी तक मनाए जाने वाले गौरव दिवस की शुरुआत 14 जनवरी को होगी। इस दिन सुबह श्री नवग्रह मंदिर में पूजन अर्चन के बाद रैली निकाली जाएगी, जो आयोजन स्थल गणेश मंदिर कुंदा नदी तट पहुंचेगी। यहां किला परिसर में स्थापित राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाएगा। इसके बाद शाम 7 बजे आतिशबाजी के साथ आयोजनों की शुरुआत होगी। इस दौरान दीपदान और 51 जोड़ों द्वारा महाआरती की जाएगी। 23 जनवरी को समापन एवं पुरस्कार वितरण होंगे। नगर पालिका अध्यक्ष शायर जोशी ने बताया कि इस आयोजनों में स्थानीय कलाकारों को मौका देने के साथ ही सभी लोगों की सहभागिता हो, इस सोच को लेकर कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिससे सभी लोगों को शहर के गौरव को मनाने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। लोग यानी जो शहर में यहाँ निवास करते हैं उन सभी के लिए गौरव की बात होती है, इसलिए गौरव दिवस मनाया जाता है। इसलिए अपन उसको एक दिन का कार्यक्रम या औपचारिक कार्यक्रम ना मनाते हुए उसको जितना अच्छा बना सकते हैं उसके लिए लोगों ने राय दी थी कि इसको अपन 5-6-7 दिन तक का कर ले। तो ये कार्यक्रम में विभिन्न विभिन्न तरह की गतिविधियाँ, विभिन्न तरह के लोगों का पार्टिसिपेशन, ये सब सुनिश्चित। गौरव दिवस के उपलक्ष्य में हमने बैठक रखी थी, पत्रकारों को बुलाया था कि गौरव दिवस किस प्रकार मनाया जाए। आपकी सलाह हमको चाहिए कि हम खरगोन के लिए कैसे अच्छे से अच्छे कार्यक्रम कर सकें, इसलिए बैठक रखी थी। किस तरह के आयोजन होंगे 9 दिनों तक के? 9 दिन अलग अलग आयोजन है। किसी दिन आरती है, फिर कलगा तुर्री है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के जो अपने यहाँ के गायक है उनको बुलाए हैं, तो उनको ही उल्लास कर रहे हैं कि अपने यहाँ के ग्रामीण की जो अपनी जो परंपरा है उसको हम ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं। गौरव दिवस के लिए शहरवासी को जोड़ने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? शहरवासी तो हम सभी को जोड़ ही रहे हैं। अब गौरव दिवस तो कई सालों से भी मन रहे, 3-4 सालों के जब मैं बैठी तब भी मैंने देखा, उसके पहले भी, और शहर के अपने जो शहर के जितने भी रहवासी उनको पता भी है, और आप लोग जितना मतलब पत्रकारिता में भी करते हो उसका उल्लेख, तो उससे शहरवासियों को तो सबको पता चलता है और शहरवासियों को सबको मालूम होता है गौरव दिवस क्या है। खरगोन नगर का गौरव दिवस 14 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, और इस बार नगर के माननीय विधायक जी और नगर के गणमान्य लोगों की राय के अनुसार इस बार गौरव दिवस को एक दिवस का न मनाकर 14 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक और 23 जनवरी तक मनाया जा रहा है। और इसमें 14 तारीख को माँ कुंदा के तट से आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम होकर इसका शुभारंभ होगा। सुबह नवग्रह की पूजा अर्चना होकर वहाँ से रैली के रूप में झंडा किला मैदान पे आकर किले में झंडा वंदन होगा, बड़ा वाला झंडा वंदन होगा, और प्रतिदिन शाम को 7 बजे 51 जोड़ों की आरती की जाएगी, 51 जोड़ों द्वारा आरती। और इसके अलावा जितने भी नगर के जो भी व्यक्ति इसमें इच्छुक हैं वो आके वहाँ पे आरती का लाभ और दीपदान का लाभ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त पूरे जो 8-9 दिन का कार्यक्रम है इसमें तरह तरह के कार्यक्रम सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेंगे, महिलाओं के लिए हल्दी कुकू रंगोली प्रतियोगिता ये भी रहेगी, धार्मिक रूप से सुंदरकांड का आयोजन भी किया जा रहा है, जो अपना निमाड़ी कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है, और जो लोकल के जो अभी प्रतिभाएं हैं उनको भी वहां पे मंच पे अवसर दिया जाएगा कि वह भी अपने अपने कला का वहां पे प्रदर्शन कर सके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।